वाणी संत पलटू साहेब जी के दूसरा भाग सत्संग का फल। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम के, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम के, बिना हरि नाम ना मोह भागे। ये परम संत सतगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। पलटू साहेब जी अयोध्या में एक अच्छे पहुंचे हुए महात्मा हुए। आप पलटू साहब और गोविंद साहब ये दोनों दोस्त थे। गोविंद साहब ब्राह्मण थे, पलटू साहब बनिया थे और दोनों एक योगी के पास पंचाक्षरी यानी प्राणायाम साधन लेके प्राणायाम से जुड़े हुए थे। तो गोविंद साहब को कुछ बरस के बाद में देशाटन करने का ख्याल आया और आप घूमते घूमते आपको भीखा साहब मिल गए, संत महात्मा मिल गए और फिर आपने भीखा साहब से सतनाम लेके सुख संग का अभ्यास करने लगे। जब अंदर कुछ तरक्की हुई तो आपने सोचा कि हमारा जो दोस्त है उसी प्राणायाम से लगा होगा, उसे भी सतनाम का रास्ता बताना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते आए तो अयोध्या में पलटू साहब मिले। तो गोविंद साहब ने पलटू साहब को उपदेश दिया सतनाम, तो कहते फिर आप भी सुर शब्द का अभ्यास करने लगे, प्राणायाम छोड़ दिया। तो आपकी भी रूप अंदर सतलोक सचखंड पहुंची और आप बेधड़क फकीर उड़े। हाँ, तो ये आपकी ही वाणी है। आप कहते हैं बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की। कहते हैं कि जब तक कि सत्संग ना मिले, साधु संत महात्माओं का सत्संग ना मिले, हमें नाम की महिमा का पता नहीं चलता है। अब सब नाम नाम ही करते हैं। एक जगह पंडित साहब ने और भी कहा है, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। कि नाम नाम तो सब करते हैं, नाम की परिभाषा का पता नहीं, नाम क्या चीज है। हम कोई भी मंत्र तंत्र को नाम ही कह देते हैं या तो राम नाम को नाम कह देते हैं, लेकिन वही आप इशारा देते हैं। स्वामी जी महाराज एक जगह कहा है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माए, ये अक्षर ढह जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। 52 अक्षर जो हिंदी में 52 अक्षर आते हैं, 52 अक्षर से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब की रचना हुई और 52 अक्षर के अंदर ही सप्तकोटि मंत्र तैयार हो गए। एक दो मंत्र नहीं, जितने देवी देवता है उतने के उतने मंत्र भी है, सबका अलग अलग। तो 33 करोड़ देवी देवता है, सबका अलग अलग मंत्र है, लेकिन जो मुख्य मंत्र 7 करोड़ है। तो कहते 7 करोड़ मंत्र है, तो 2 अक्षरात्मक है, अक्षर में आते हैं, दिखाई देते हैं, लिखने पढ़ने बोलने में आता है, वो नाश होता है। लेकिन जो संत नाम देते हैं ये लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। तो कहने शंका हो सकते जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है तो संत देते कैसे। अगर वो अक्षर हो गए तो हमारी समझ में आ गए, हम सुन सकते हैं, अक्षर ही नहीं तो हमको कैसे पता चले। तो संत वर्णात्मक नाम भी देते हैं मन को स्थिर करने के लिए, 5 नाम। लेकिन जो असली नाम है जिसके संत सत्संग में महिमा करते हैं वो गुणात्मक नाम है। क्योंकि नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा गुणात्मक नाम। वर्णात्मक नाम उसे कहते हैं जो अक्षर में आते हैं, लिखने पढ़ने बोलने में आते हैं, उसे वर्णात्मक गायक। और दूसरा खाली आत्मा के कान से सुनाई देता है और आत्मा के कान से उसका और आत्मा के आंख से उस प्रकाश दिखाई देता है, वो धुनात्मक नाम जो हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, जिसको अनहद नाद भी कहते हैं।
वो संतोष सचखंड से आए थे, हमारे दसवें दरवाजे दुकान में आए, कहते महात्मा उसी को नाम करते हैं, शब्द को ही, उस ध्वनि आवाज को ही नाम करते हैं। कहते वो अक्षर में नहीं है, ग्रंथों में नहीं, कहते वो खाली आत्मा के कान से सुनाई देता है, आत्मा के आंख से उसका प्रकाश लाइट दिखाई देता है, क्योंकि आत्मा में दो आधार है, आत्मा में देखने की भी ताकत है, सुनने की भी ताकत है आत्मा में। आत्मा का कोई कहते हैं कि शरीर नहीं है, आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है, लेकिन उसको सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, जिसको सुरंत और निरंत करते हैं। तो जो अंदर का आवाज सुना जाता है वो ज्ञान की आंख से, आत्मा की आंख से, और जो अंदर का प्रकाश दिखाई देता है वो आत्मा की आंख से, इन आंखों से नहीं, ये तो बना आंख है। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने कहा है, चर्म चक्षु न लक्षे, ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते भाई सच्चाई को देखने वाली आंख वो ज्ञान की आंख है, और ये तो चमड़े की आंख है, पांच तत्व के पुतले, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। कहते हैं कि जो दिशे सो नासे, बड़े आज के काल इन आंखों से जो दिखाई देता है सब नाश होने वाला है, लेकिन वो सच्चाई को देखने वाली आंख कुछ और है, वो ज्ञान की आंख है, उसको तीसरी आंख कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, दसवां द्वार कहते हैं। जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे साधन करके, सुमरण ध्यान करके, छह चक्कर पार करके सातवें में आ जाते हैं, हमारी तीसरी आंख खुलती है। जब ये नौ दरवाजे छोड़ के दसवें में आते हैं, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, दसवां द्वार खुलता है और हमारी आत्मा अंदर प्रवेश करती है। तो पहले इसे आत्मा ही नजर आता है, जैसे ही हम अंदर जाते हैं हमारा आंखों के नीचे शरीर सुन्न हो जाता है, मरने के समय जो हालत होती है अभ्यास में वही हालत होती है। तो जब यहाँ तक शरीर सुन्न हो जाता है अभ्यास में और इसकी तीसरी आंख खुलती है, तो पहले से अंदर आत्मा ही नजर आता है। वो आत्मा कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में, यहाँ शरीर में आत्मा और मन की बैठक है, तो पहले आत्मा ही नजर आता है, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद गुरु प्रकट हो जाता है, जो गुरु हमें नाम धाम दिया है। अगर गुरु अंदर ही प्रकट नहीं होता तो हमारी क्या रक्षा करेगा? तो पहले अंदर गुरु दर्शन देता है, तब से गुरु बात करता है, आप कहीं भी जाओ आपके साथ रहेगा, आप जंगल में भी जाओ गुरु साथ है, आप अमेरिका में भी जाओ गुरु साथ है, एक बार गुरु आपके अंदर प्रकट हो जाए। तो कहते गुरु की कृपा से शब्द और प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो कहते वो शब्द उसी को सब नाम करते हैं। तो वही आप पलटू साहब ने सलाह देते हैं, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, और बिना नाम नहीं मोह भागे। कहते भाई जब तक कि सत्संग नहीं मिलता है नाम का पता नहीं चलता नाम क्या चीज है, और जब तक कि नाम का हम सुमरण नहीं करते, नाम का हम भजन सुमरण नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तब तक कि कहते हैं कि हमारा मोह दूर नहीं होता है। कहते भाई जब तक हमारे अंदर मोह है, दुनिया से लगाव है, तब तक भक्ति कहां? अब वो दूर होने के लिए मालिक का नाम सुमरण देखो तो हमने किया, बाल बच्चा नहीं छोड़े थे, घर में ही रहे, सारा कारोबार करते रहे, मन को उस दुनिया से निकाल के पारमार्थिकता से जोड़ दिया। तो महात्मा क्या कहते हैं, आप भी दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, कारोबार करो, लेकिन शरीर को बैराग्य बनाने से कोई फायदा नहीं, मन को बैराग्य बनाना है। जो दोष है मन में है, शरीर तो किराए का मकान है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला। कहते हैं कि भाई जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। इसको मुक्ति नहीं, मुक्ति मन को, बंध और मोक्ष का कारण मन है। तो कहते भाई उस मन को उस दुनिया से निकाल लो और उस मालिक के नाम से जोड़ दो, आप बाल बच्चे में रहो, नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस करो, लेकिन नाम का रूप हो गए, ये ख्याल रहे
रहना भी देश दिलाना है, ये हमारा देश नहीं है, ये कालों माया की नगरी है, सुख दुख का धाम है, हमारा देश सतलोक सचखंड है, वो पिता का परमात्मा का देश है, हमारा देश है। कहते हैं ये तो कालों माया की नगरी है, इसका नाम मृत्युलोक है, मरने का देश है। कहते इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला न कभी मिलेगा, सुख शांति आपके अंदर है। कहते ये मानव शरीर खाली रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, काया कल्चन नगली नकट भरे भंडारा, ये इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर सोने के नगर है, हीरे ज्वारात के बंगले हैं, 33 करोड़ देवी देवता है इसी के अंदर है, 16 मंडल है, 16 लोक है, सब कुछ परमात्मा ने शरीर में रचना करके आपको अंदर बैठा है, ये नर नारायण शरीर है, ये जीता जागता हर मंदिर है, चलता फिरता हर मंदिर है। कहते जिस भी किसी महात्मा को परमात्मा मिला शरीर रूपी मंदिर के अंदर मिला, बाहर ना आज तक किसी को परमात्मा मिला ना कभी मिलेगा। कहते ये सच्चा चलता फिरता हर मंदिर है, तो महात्मा हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं। इस तरह से हम सुमरण ध्यान करके ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। पहले हम अपने आप को नहीं पहचान पाए हम कौन है। महात्मा कहते भाई तुम कौन हो, शरीर नहीं, ये तो मट्टी का पुतला है, आत्मा के रहने का मकान है, किराए का मकान है, 60-70 साल का, आप शरीर में हो, आप आत्मा हो। जब आप आत्मा है तो आपका कौन है, आपका पिता परमात्मा, और जब आप शरीर होते हैं तो ये दुनिया आपकी होती है, लेकिन आप शरीर में, ये तो किराए का मकान है, आत्मा के रहने का मकान है, आप आत्मा हो। जब आप आत्मा हो तो आपका कौन है, परमात्मा है। अगर आप शरीर होते तो दुनिया होती, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझे बैठे और शरीर समझ बैठे अपने आप को भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, ये दुनिया को अपना घर बना ली, ये शरीर को अपना रूप समझ लिया, कर्म करके ये आत्मा जीवात्मा बन गया, 84 का चक्कर लगा रहा है। देखो मानव शरीर छोड़ते मानव शरीर मिलता है, इसका कोई न्याय नहीं, आत्मा निचले शरीर में जाके गिर जाती है कर्मानुसार, पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पक्षी के शरीर में, प्राणी के शरीर में, पशु के शरीर, मानव शरीर में। अब बताओ 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे के शरीर है, एक तो नहीं 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर है, एक दो नहीं 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव है, 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव, 4 लाख प्रकार में। तो कहते 9 महीने में पैदा होने वाले हैं, ये 4 लाख प्रकार में आते हैं। इस तरह से ऋषियों मुनियों ने 84 लाख शरीर का बयान किया है, और आत्मा ये मानव शरीर छोड़ते ही निचले शरीरों में चली जाती, 84 लाख का चक्कर। अब फिर ना मालूम कब ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय मिले या ना मिले, ये नरनारायण शरीर है, परमात्मा दया करके ये आत्मा को एक चांस देता है। जब आत्मा 84 का चक्कर लगा लेती है, दुख भोग लेती है, दुखी हो जाती है, परमपिता को दया आती है, तो वो एक मानव शरीर का समय देता है, जाने दो उद्धार, जाने दो, ये मुक्ति का दरवाजा है, ये नर नारायणी शरीर है, इसके अंदर आत्मा भी है परमात्मा भी है। तो गजर भाई आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता भी इसी के अंदर है, वही हमें कामन से पूरा गुरु बताता है। वो ये नहीं कहता भाई जगत बाड़ों में जाकर बैठो, उपवास करो, पीला कपड़ा उद्राज कर लो, सन्यासी बन जाओ, कहते नहीं दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, ये आपका लेन देन का हिसाब किताब है, पिछले जन्मों का है, किसी का किसी से लेना होता है, किसी का किसी को देना होता है, पिछले जन्मों का है। ऐसे ही आत्मा एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाते हैं,
और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है एक एक साल छोड़ के चलते जाते हैं और जीव अज्ञान वसा दुखी होता है, अरे मेरे अपने चले गए अपने चले गए। महात्मा कहते भाई अपने होते तो जाते क्यों, कहते भाई अपना कौन है, ये गुरु दूसरा परमात्मा। अब गुरु क्यों हमारा है, क्योंकि गुरु उपदेश देने के समय क्या करता है, हमारी आत्मा को सबसे से जोड़ता है। हमारे कुछ बड़े बड़े कर्म होते हैं नरकों में ले जाने वाला है, वो अपने ऊपर लेके जाके मानसरोवर में खो डालता है और जिस दिन से वो नाम देता है शिष्य के अंतर शब्द रूप में बैठ जाता है दसवें दरवाजे में। यहां भजन स्मरण करके देख सकते हैं गुरु हमारे यहां भी रक्षा करता है, मरने के समय भी आत्मा अपने शिष्य को ले जाने के लिए गुरु खुद आ पाता है, यमदूत नहीं आने देता है। अगर मरने के समय यमदूत आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, नहीं गुरु की ड्यूटी है, वो खुद आता है दर्शन देके शिव को ऊपर के मंडल में लेके जाता है, सहस्रदल कमल है ऊपर के मंडल में रखता है, वहां भजन सुमरण करवाता है। भजन सुमरण तो करना ही पड़ता है, अपना कर्म आपका आना ही पड़ता है, या नहीं करते तो अंदर कराते हैं लेकिन कराते हैं, करके जाना पड़ता है। तो करते हुए इस तरह से गुरु की ड्यूटी जवाबदारी होती है। तो करते दुनिया छोड़ देती है, कुटुंब परिवार के लोग नाता तोड़ लेते हैं मरने के समय, टूट जाता है लेकिन गुरु का नाता नहीं टूटता, वो मरने के समय हाजिर हो जाता है, दर्शन देके आत्मा का गद्य ऊपर के मंडल में लेके जाता है और वहां भी साथ रहता है। तो गद्य जो यहां और वहां हमारी रक्षा करे वो अपना है, जो हमारा साथ निभाए वो अपना है, और दूसरा कौन है, वो परमात्मा है। हमारा अपना ईसारी आत्माओं का सच्चा पिता परमात्मा, गद्य 9 महीने उसने मां के गर्भ में पाला, वहां कौन होता है, हमारा काका काकी दादा दादी मां के गर्भ में, कहते वो पिता ही परमात्मा है। 9 महीने वहां रक्षा करता है और बाहर आने के पहले घर मकान कुटुंब परिवार धन दौलत जमीन जायदाद नौकरी धंधा सब कुछ दे के भेजा, इतना सुंदर शरीर दे के भेजा, कहते उस पिता को भूल जाते हैं जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, कहते उस पिता को भूल गए। तो वही आप महात्मा सलाह देते हैं कि भाई उसको मत भूलो, वो तुम्हारा सच्चा पिता है, जब से तुम वो धाम छोड़ के इस धाम में आए हो तब से तुम दुखी हो, यहां 84 का चक्कर लगा रहे हो, चलो अपने धाम जाके जहां आत्मा परमात्मा बन जाती है, हमेशा सुख के समुद्र में समाप्ति है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, वो आपका देश है। ये तो अशांति और दुख मुसीबत का देश है, सच्चा शांति सच्चा सुख तुम्हारे देश में है, वहां चलो। तो कहते हैं बिना सत्संग नहीं कथा हरि नाम की, बिना सत्संग के नाम की महिमा का पता नहीं चलता, और बगैर नाम के साधन से मोह दूर नहीं होता और मोह के दूर हुए बगैर मुक्ति नहीं मिलती। भाई जब मोह रहेगा तो अंत पता स्वगता, अंत समय वही आशा पैदा होती है और वो आशा हमें फिर दुनिया में लेके आती, जहां आशा तहां वासा, दुनिया का प्रेम प्यार दुनिया का मोह फिर दुनिया में लेके आता है, फिर 84 का चक्कर लगवाता है, दुखद दुखी बना देता है। इसीलिए कहते हो मोह कब दूर होगा, जबकि हम नाम का जप करेंगे, सुमरण और ध्यान करके 10वें दरवाजे में आ जाएंगे, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी, ऑटोमेटिक मोह दूर हो जाएगा, क्योंकि जब सूरज उगता है अंधेरा अपने आप भाग जाता है। ऐसे हम भजन सुमरण करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आएंगे, हमारी तीसरी आंख खुलेगी, शब्द का प्रकाश होएगा, अज्ञान रूपी मोह दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो गलत भाई साधन जरूरी है, महात्माओं ने साधन किया अंदर आने के लिए, आपको भी साधन करने की जरूरत है, लेकिन बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है,
दुनिया में रहना मेहनत की कमाई करके खाना जो आता है उसको खिलाना मालिक की वचनबद्धता करना यही महात्मा हमें सिखाते हैं। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम के, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम के, बिना हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिना ना ही अनुराग लागे। पंडित साहब कहते हैं कि मोह भागे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी और मुक्ति मिले बिना ना अनुराग जागे। अनुराग माने विरह, सच्चा प्रेम और प्यार मालिक से मिलने की तड़प। कहते भाई जब मोह दूर होगा तो परमात्मा से सच्चा प्रेम प्यार पैदा होगा कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परमपिता परमात्मा से मिलना है, तड़प पैदा होगी। भाई तड़प पैदा होगी तो आप सच्ची भक्ति करोगे। देखो सगु भाई नामदेव तुकाराम, उन्होंने सच्चा प्रेम प्यार उस मालिक के साथ किया। यहां तक कि सगु भाई कहते हैं कि शादी होने के पहले तो बरस बरस पांडुरंगा के दर्शन के लिए 6 महीने में बरस को जाके, जब वहां पे मेला लगता है भक्तों का तो जाके आनंद 8-10 दिन आनंद लेके आते थे, भक्तों के साथ में भजन कीर्तन करके आते थे। लेकिन शादी होने के बाद उसका जाना बंद हो गया तो देखो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो भगत हमेशा जाता था उसका रास्ता बंद हो जाए तो बहुत दर्द होता था उसको। जब पंडरपुर जाने को नहीं मिला तो बड़ा दर्द हुआ, तो वो हमेशा पांडुरंगा की याद में रहते थे। तो कहते वो शरीर संसार में था लेकिन मन पांडुरंगा से जुड़ा था। तो जब देखा कि ये लोग कहीं रात को भागने जाए तो उसके सास ने उसको खंभा से बांध दिया, भागने जाए। कहते खंभा से बांध दिया, आगे वो पांडुरंगा का याद करते रहेंगे। मालिक हर बरस में तेरे पास आते थे, ये साल मेरा खाली जाएगा। लेकिन अगर सच्चा श्रद्धा है, विश्वास है, सच्चा प्रेम और प्यार है तो मालिक क्यों नहीं आएगा। तो कहते रात रात को पांडुरंगा प्रयोग और आके सक्कू भाई से कहते भाई तू जा पंडरपुर को जा, लेकिन 12-13 दिन के अंदर आ जाना और 13 दिन भी तब तक मैं करूंगा, तू जा। उसका तो रस्सी छोड़ दिया और पांडुरंगा आप सक्कू भाई बन गए और खंबा से आप बंध गए और उसको बोला तू जा, लेकिन सास को नहीं ले जाना, तू निकल गए दरवाजा खुल रहा वो तो चले गए। और वहां पे 8-10 दिन साधु संतों के साथ प्रेम में हरि कीर्तन भजन और दर्शन में आनंद में रहे। आने के समय उसका दिल नहीं होता, वो लोग फटफट में जाएगा सिर दर्द, वो तो भक्ति करने नहीं देते सास। तो उसने क्या किया कि मालिक तो अपने से मेरे को दूर मत कर। कहते उसने वही कीर्तन करते करते अपना जान दे दिया, अब मर गए। वहां के लोगों ने देखा इसका कोई वापस भी नहीं, तो ले जाके मसाण में लोग मिलके 10 आदमी मिलके ले गए, मसाण में जला दिए। अब पांडुरंगा का हालत क्या, अब यहां खाना बनाना, सास की सेवा करना, सब काम जो सक्कू भाई करते थे अब इनको करना था। तो कहते हैं कि भाई 15 दिन के अलावा 20 दिन हो गया, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आई नहीं लक्ष्मण मंदिर खाली। तो लक्ष्मी देखते हैं कि क्या जाके वहां के बन गए। तो लक्ष्मी आती रात को आके पांडुरंगा से कहते महाराज आप तो थोड़े दिन के लिए आए, आप यहीं रह गए, भक्तों लोग वहां से वापस जा रहे हैं, मंदिर खाली। तो कहते मैं क्या करूं, उसको कहा था कि 12-13 दिन 15 दिन के अंदर आ जाना, वो आई नहीं, वो नहीं आई तो मैं कैसे जाऊं, मैंने उसको जवाब दिया। तो लक्ष्मी कहते महाराज वो कहा, वो तो मर गई,
और लोग उसे जला दिया। तो कहते फिर मेरा हाल क्या, तुम्हारा जा भी जाना। तो कहते चंद्या मशान में जो भी कुछ हड्डी मिले, जलने से बची हुई थोड़ी छोटी मोटी हड्डियां जो भी मिले सतुदय का वो लेके आ। तो लक्ष्मी कहती महाराज मशान में कितनी हड्डियां पड़ी होती है, कैसे पता चले वो सतुदय की हड्डी है। तो कहते नहीं, उसको लेके कान से लगाना, जिसमें रंगा 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 का जाप होता रहे, सोचना वो सतुदय की हड्डी। देखो सुमरण भक्ति ऐसा होता है, वो भक्त का सुमरण कर करके, मालिक का नाम सुमरण कर करके, खून खून मांस मांस हड्डी हड्डी में नाम सुमरण भर जाता है, वो अनुराग है, हो सच्चा प्रेम और प्यार है। नहीं तो छिन में चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न हो, आठ पर भी ना रहे प्रेम का आवेश हो, एक सेकंड में प्रेम का रंग चढ़ गया और एक सेकंड में उतर गया, कहते भाई ये प्रेम नहीं, ये सच्चा प्रेम नहीं। कहते आठ पहर उसी नाम के रंग में, उसी मालिक के रंग में रंगा रहे, वो प्रेम है। तो वो सको भाई तो काम नाम दो, इस तरह का नाम से प्रेम प्यार किया मालिक से मिले। तो देखो बाद में वो जाते हैं मसान में, हड्डी जो भी मिलता है उसको लेके कान से लगाती है, जो आवाज नहीं आता है फेंक देती है, जो आवाज आता है उसको जमा कर देती है। थोड़ा सा हड्डी मिला लेके आए रात बाद, तो फिर पांडुरंगा ने उस हड्डी को जोड़ के अपनी महिमा से सत्तुबाई को जीवित किया और उसको उसकी जगह पे छोड़ के फिर दोनों मिलकर लौट के आए पंडोर। तो कहते हैं कि बिना वो भागे बिना अनुराग नहीं जागेगा। कहते हैं अनुराग जब तक कि सच्चा मालिक से मिलने की तड़प पैदा नहीं हो तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। अगर भक्ति के अंदर दुनिया की आशा है, दुनिया की ख्वाहिश है और चाहता मालिक को है, कैसे मिलेगा? जहां प्रेम प्यार होगा वही मिलेगा। दुनिया से प्रेम प्यार है तो दुनिया में आना पड़ेगा, मालिक के नाम से प्रेम प्यार है तो मालिक में समाएगा। तो कहते अनुराग बड़ी ऊंची चीज है, निर्मल प्रेम को अनुराग कहते हैं और मलिन प्रेम को ही मोह कहते हैं, जो बार बार दुनिया में लेके आती है। हमारा जो है मलिन प्रेम है, मोह वो अनुराग नहीं। अनुराग तो भक्तों का होता है भगवंत से, एक सिख का गुरु के चरणों से अनुराग। अनुराग बड़ी ऊंची चीज है, वो मालिक से मिलाता है वो प्रेम, वो सच्चा प्रेम जिसमें मोह का नाम निशान नहीं होता है, त्याग होता है, बलिदान होता है, सर्वस्व त्याग होता है अनुराग में। मोह में सब कुछ झगड़ा होता है वो दुनिया में लेके आता है। तो ये आप सारा करते हैं भाई, बिगर करते हैं कि मोह भागे बिना भरना मुक्ति नहीं मिलेगी और बिगर मुक्ति के नहीं अनुभव में जाके। जी मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिना ही अनुराग लागे। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना प्रेम और नाही जागे। तो वही आप इशारा देते हैं कि बिना अनुराग से सच्ची भक्ति नहीं मिलती, सच्ची भक्ति नहीं कहलाती, और सच्चे भक्ति के बगैर वो प्रेम प्रकट नहीं होता है। जो प्रेम देखो वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि जी ने राम पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले लिख दिया था कि पंपापति सरोवर पे राम आएंगे, ऋषियों मुनियों को वहां दर्शन देंगे,
राम पैदा होने में 10,000 वर्ष पहले, तो बहुत सारे ऋषि मुझे जाके वहां अपना आश्रम बना बना के रहने लग गए थे कि राम आएंगे तो हमें दर्शन मिलेगा। और उसने एक गरीब भिल्ल की सेवनी, उसको भी ख्याल आया कि मैं भी वहां रहूंगी, मेरा उम्र हो गया है, मुझे भी राम दर्शन मिलेगा। तो वो भी जाके ऋषियों मुनियों से थोड़ा दूर एक झोपड़ी बना के वही राम पहचान करते हुए पड़ी थी। तो कहते हैं कि लेकिन इन ऋषि मुनियों के अंदर अहंकार था, अहंकार अभिमान था कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, बड़े ऊंचे कुल वाले हैं, हम इतने 1,000 वर्ष से तपस्या में बैठे हैं, राम आएंगे तो हमारे कुटिया में आएंगे, हमारे आश्रम में आएंगे। अहंकार था, शिवरी के अंदर दीनता नम्रता थी। जहां दीनता नम्रता होगी वहां सेवा भाव भी होगा। तो शिवरी सोचती थी कि ऐसे ही पड़े रहना अच्छा बात है, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं तो इनका को सेवा भी करना चाहिए। तो दिन में जाए, दिन में जाके करूंगी ये श्राप दे देंगे, इनके सामने जाऊंगी तो ये श्राप दे देंगे, ये बड़े जात वाले में नीच जात वाले। तो वो जब सो जाते थे तो जाती थी सेवरी, जाके उनका आश्रम के सामने झाड़ू लगाती थी, स्नान करने का तालाब के पास जाने का रास्ता सब साफ करके आती थी। कितना भावना है। तो इन ऋषियों में एक माता के ऋषि थे जिनकी उम्र 90-95 साल की हो गई थी, वो बड़े अच्छे कमाई वाले महात्मा थे। तो उन्होंने सोचा कौन है, सब सोते हैं और वो जागता है, सेवा करता है, कौन है वो, उसको देखना चाहिए। डुलता नहीं, डर के बारे भाग जाते थे। तो बाद में दो शिष्यों को ड्यूटी लगाई माता के ऋषि ने, भेड़ की छाया के अंधेरे में छिपके बैठो और कौन आके झाड़ू लगाता है, कौन सेवा करता है, उसको पकड़ के मेरे पास ले गया। तो वो जो है अंधेरे में छिपके बैठे थे ऋषि, अब 12 बजे के बाद आके झाड़ू लगाने लगे। जब झाड़ू का शब्द हुआ ऋषि सामने आ गए, अब ये कामने लग गए ये बड़े जात वाले फिर श्राप ना दे। तो वो कहते कि नहीं बहन जी, हमारे गुरुदेव ने बुलाया है, चलो। उसको थोड़ा हिम्मत आया, लेके गए और ले जाके माधव ऋषि के सामने खड़े कर दिए। शिवरी काम रही, नामन क्या करते, मैं तो सामने पड़ गई डर। कहते डर करने डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। भक्ति के अंदर मालिक का डर भी होता है। कहते जो गाफिल होते हैं वो मार खाते हैं, वही डर। तो बाद में खोट काम रहे थे तो माता के ऋषि कहते हैं कि बहन मैं तेरे को श्राप देने के लिए नहीं बुलाया, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूं, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। और तो उसको थोड़ा हिम्मत आया, वो चरणों में गिर पड़े। तो माता के ऋषि, क्योंकि उसको उपदेश नहीं था और गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, वेद शास्त्र पुराण भी कहता है, संत महात्मा भी कहते हैं, और उस बेचारे को कोई गुरु नहीं। तो बाद में वो माता के ऋषि के शरण में गिरी तो माता के ऋषि को दया आ गई, तो वही बिठा कर उनको उपदेश देते हैं। माता के ऋषि उपदेश देके आशीर्वाद देते हैं कि बेटी अगर राम आएंगे तो पहले तेरी कुटिया में आएंगे। माता के ऋषि का आशीर्वाद सेवा से खुश होके, तो शिवजी के दिल में आया अगर राम मेरी कुटिया में आएंगे तो उनको नाश्ता क्या देंगे, खाना क्या देंगे गरीबों को, और उम्र हो चुका था बेचारे का 65-70 साल, पेड़ को तो नहीं चढ़ सकते थे, बेर के अलावा और जंगल में कुछ था ही नहीं। तो क्या करते थे, जो बेर पंख के नीचे गिरते थे तो उसको सब चुन चुन के लेके आते थे अच्छे अच्छे बेर। तो सोचते थे अपने राम को कड़वा बेर, कीड़े वाला बेर कैसे दे,
थोड़ा चक्कर देख लेते थे, जो मीठे मीठे होते थे उसको रख लेते थे, जो कड़वा होता था उसको फेंक देते थे। तो उसमें जूठा होता उसको ख्याल नहीं, मीठा देते, अच्छा देते, आराम सब जमा करके रखे थे। देखो समय आ गया, राम लक्ष्मण आए सीता के खोज में। कहते जब वहां पे आए तो सारे ऋषि मुनि अपने अपने दरवाजे पे खड़े थे कि राम हमारे कुटिया में आएंगे, हमारे कुटिया में अहंकार के नशे में चूर है। लेकिन राम कहां गए, सब दरवाजे पे खड़े थे, किसी के दर पे नहीं गए, सवरी की झोपड़ी में गए। और सवरी बड़ी खुश हो गई और राम का पैर धोया और पैर धो के उनको बिठा के बड़े प्रेम से वो बेल की टोकरी ला के सामने रख दिया और अपने हाथ से देने लगी। राम बड़े प्रेम से खाने लगे। तो राम ने सोचा लक्ष्मण बाहर ड्यूटी पे है कि कोई राक्षसी माया कोई दैत्य हमला ना कर। तो लक्ष्मण बाहर ड्यूटी पे थे तो राम ने लक्ष्मण को ही बुला के दो बैल दिया, उसमें से अपने हाथ से दिया। लक्ष्मण लेके बाहर गए, देखते तो चखा हुआ बैल, जूठा बैल कैसे खाने। लक्ष्मण को क्रोध ज्यादा था, गुस्सा आया कि जूठा बैल कैसे खाने, और गुस्से में बाहर पीछे उन्होंने फेंक दिया, जोर से फेंक दिया गुस्से में, और वही बैल सुमेर पहाड़ पे गिरा और वही बैल संजीव के बन के पैदा हुआ। जिस प्रेम का उन्होंने त्याग किया, कहते जब अग्निबाण लग मारा मेघनाथ ने तो सुखेन बैल क्या करता है, इसका इलाज एक ही है, वो सुमेर पहाड़ पे संजीव की अगर सूरज उगने के पहले आ जाए तो बच सकते हैं। तो देखो हनुमान को भेजते, हनुमान भूल जाते, पहाड़ी उठा के लेके आते। तो कहते वही बैल जिसका इन्होंने फेंक दिया था, त्याग किया था, जिस प्रेम का त्याग किया था उसी को खा के जान बचानी पड़ती। तो कहते वही प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कहते सबसे ऊंची ऊंचा तो प्रेम है। परमात्मा में प्रेम रूप है, आत्मा में प्रेम रूप है, आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता भी प्रेम है। कहते जब तक वो प्रेम प्रकट नहीं होता काम नहीं करता। तो इसीलिए कहते हैं बिना अनुराग ना भक्ति ना मिलेगी, बिना भक्ति नहीं प्रेम जाके। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना प्रेम उड़ना ही जागे, प्रेम बिन नाम ना नाम बिन संत ना, प्रेम बिन नाम ना नाम बिन संत ना, पलटो सत्संग वरदान मांगे। तो वही पंडित साहब जी कहते हैं कि प्रेम बिन नाम ना नाम बिन संत ना, पलटो वरदान सत्संग मांगे। कहते हैं कि प्रेम के प्रेम को छोड़ के नाम नहीं, नाम को छोड़ के संत नहीं, ये तीनों एक ही, चाहे प्रेम कह लो चाहे संत कह लो चाहे नाम कह लो, ये तीनों एक ही चीज, एक को छोड़ के एक नहीं। हवो चाहे पानी बरसात का पानी एक ही होता है, बावड़ी में गिर गया तो बावड़ी का पानी कहलाता है, तालाब में गिरा तो तालाब का पानी कहलाता है, नदी में गिरा तो नदी का पानी कहलाता है, पानी तो एक ही। तो प्रेम कह लो नाम कह लो या संत कह लो, ये तीनों एक ही चीज है और ये तीनों एक ही रूप होते हैं। तो वही आप सलाह देते हैं कि पलटो वरदान सत्संग मांगे। इसीलिए पलटो साहब कहते हैं कि हे मालिक मैं तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूं मुझे सत्संग दे,
संतों का सत्संग दे, क्योंकि सत्संग से तेरी सूझी, तेरे जन्म में प्रेम और प्यार बढ़ेगा। कहते हैं कि मुझे तेरा प्रेम और प्यार सत्संग के जरिए पता चलेगा, क्योंकि भक्तों जिन लोगों ने भक्ति किया है, तेरे से प्रेम प्यार किया है, वो सत्संग को उस प्रेम की महिमा बताते हैं, मालिक से मिलने का तरीका और साधन बताते हैं, वो प्रेम है। तो कहते भाई, इस प्रेम के रहस्य को जानने के लिए, नाम के रहस्य को जानने के लिए, संतों के रहस्य को जानने के लिए सत्संग। और उस महात्माओं ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। क्या कहते हैं, सत्संग सम तीरथ नहीं कोई, सत्संग के समान तो बाहरी कोई तीरथ नहीं। बाहरी तीर्थों में तो शरीर का मन दूर होता है, शरीर का स्नान होता है, लेकिन सत्संग में मन का स्नान होता है। सत्संग उत्थे जाने जिते एक को नाम बढ़ाने, कहते भाई सत्संग उसी का नाम है जहां उस मालिक के नाम की महिमा होए, सत्संग उसका नाम नहीं जहां एक पद दूसरे की निंदा करे, एक महात्मा दूसरे का निंदा करे। कहते भाई ये सत्संग, सत्संग में उस मालिक के प्रेम भक्ति और नाम की महिमा होते हैं, और वहां दूसरा कोई नहीं। सत्संग तो लोगों के अंदर अपनी भक्ति और प्रेम प्यार पैदा करता है, मालिक का प्रेम प्यार पैदा करता है, विरोध नहीं। तो सत्संग, इसीलिए सत्संग, अतएव मुझे सत्संग दो, कि सत्संग से मुझे तेरे चरणों से प्रेम और प्यार बना रहे। तो ये आप इशारा करते हैं कि भाई सत्संग जो है वो सच्चा तीरथ है, क्योंकि उससे हमारे मन की मैल उतरती है, क्योंकि जो भी हम जन्म जन्म से कर्म करते आए हैं उन कर्मों की मैल मन के ऊपर चढ़ी, अंदर में शरीर के ऊपर नहीं, मन के ऊपर, मन पर ही बोझ चढ़ा है। हम शरीर को धोते हैं, मन के नहाते हैं, जाके हरिद्वार प्रयाग काशी, मैं तो काशी के ही रहने वाला हूं, मेरा जो नेटिव प्लेस बनारस है। लेकिन तीर्थों में स्नान करने से नहीं, ऐसा वहां पे शास्त्रों में लिखा है कि भाई जो बनारस में मरता है वो स्वर्ग हो जाता है। वहां पे पंडितों ने लिख के रखा है शास्त्र में, जो काशी में मरता है वो स्वर्ग हो जाता है, और जो मगध है, मगध कहां पे, वो भी तीर्थ है मगध, वो बिहार में है गया के पास, और जो मगध में मरता है वो नरक में जाता है, शास्त्र में लिखा है। तो कबीर साहब ने क्या किया, काशी में ही पैदा हुए थे, वो बनने के बरस पहले ही जाके मगध में चले गए, क्योंकि पंडितों ने ऐसा लिखा है शास्त्र में कि वहां मरने से नरक में जाते हैं, तो उसको देखेंगे बोल के वो जाके मगध में अपना आश्रम बनाए। एक बरस उधर ही संत मन का प्रचार किया, और आप उधर भी चले थोड़ा मगर। तो वहां भी क्या हो गया, कबीर साहब के शिष्य हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिकंदर लोदी और बनारस के राजा भीम सिंह कबीर साहब के शिष्य, झगड़ा हो गया। अब मुसलमान समाज बनाना चाहते कि कबीर मेरा है, समाज बनाना चाहते, राजा वीर सिंह पहुंच गया मिलिट्री लेके कि मेरा गुरु है, जलाने चाहते, बनारस में जाके जलाना चाहते, झगड़ा हो गया। अब कबीर साहब ने सोचा है तो बड़ी आपत्ति आ गई, हमने इतना बड़ा सत्संग करके इनका भ्रम दूर करने की कोशिश किया, अंत में मेरे शरीर के लिए लड़ बनने को तैयार हो गए इस मट्टी के लिए, दोनों ने उस मट्टी को ही गायब कर दिया, और वहां पर सब फूल ही फूल बन गए, शरीर का जब मुर्दा उठा के देखते हैं तो कबीर नहीं हुआ, कबीर का शरीर नहीं, काली फूल पड़ा हुआ था। तो लोगों ने आधा आधा बांट लिया, झगड़ा खत्म हो गया, आधा वो बेटर बात के ले जाके समाज बनाए और इंडिया ले जाकर उसको जलाए, काशी में लेके आए।
तो बगल भाई सब तो हमें भ्रम से हटाने के लिए आते हैं। कहते ना भक्त सब कोई करे भ्रमना ना करे भ्रम जंजाल दुख दो भारी, भक्त सब करते हैं भ्रम नहीं जाता है। भ्रम क्या चीज है? असत्य को सत्य समझना और सच को झूठ समझना, ये सब। सच क्या है? आत्मा सच, जिसका कभी नाश नहीं होता वो सच है, जिसका नाश होता है वो सच नहीं। तो क्या चीज का नाश नहीं होता है? आत्मा, गुरु, परमात्मा और नाम, ये कभी नाश नहीं होता है, इसको हमने छोड़ दिया और असत्य को पकड़ रखा है। दुनिया, दुनिया में झूठ है, एक दिन नाश होता है। दुनिया भी झूठ है, हमारे शरीर भी झूठ है, हमारा सारा संबंध भी झूठ है, उसको सच समझे बैठे। झूठ को पकड़ के रखा है, सच से दूर है, इसी को भ्रम करते हैं। भक्ति करते हैं, भ्रम दूर नहीं होता है। तो कहते भाई भक्ति करके जो भ्रम ही दूर नहीं हुआ तो भक्ति करने से फायदा क्या? तो संत महात्मा हमारे भ्रम को दूर करने के लिए आते हैं, हमें हमारे अंदर भ्रम पैदा करने के लिए नहीं आते, भ्रम को दूर करने के लिए आते हैं। तो वही आगे सलाह देते हैं कि भाई नाम कोई और चीज नहीं है और हम भक्ति कोई और चीज नहीं और संत कोई और चीज नहीं। संत तो भक्ति के रूप हो जाते हैं, अपने आप को उसमें लय कर देते हैं, वही संत वही महात्मा। कौन दुर्सकस है चेत कर आपको, कौन दुर्सकस है चेत कर आपको, कहा तू आएगे मन लाया। तो वही आप इशारा देते हैं, कौन तो सकस है चेत कर आपको। अब प्रसाद कहते भाई तुम कौन हो, पहले अपने आप को समझो, आप कौन हो? कहते आप शरीर नहीं हो, ये तो किराए का मकान है, 70 साल के लिए मिला है। आप आत्मा हो, शरीर को चलाने वाले, और आत्मा अमर है, आत्मा नहीं बदलती। जैसे हमारा कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, इसको बदल लेते, नया कपड़ा डाल देते, ऐसे ही ये कर्मों के हिसाब से शरीर है। कर्मानुसार उस शरीर में चली गई आत्मा, कभी बैल बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी गद्दा बन गया, कभी कुत्ता बन गया, वे कर्म। देखो तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान जगत कर रखा और जो जैसे करे तो तस्कर जाकर। काल कर्ता ने दुनिया बनाई और कर्म प्रधान रख दिया। अब जो जैसे जैसा कर्म करता है और उस कर्म का भुगतान जिसके शरीर में पूरा होता है ऐसे शरीर में भेज दिया जाता है कर्म के अनुसार, और एक चार चक्र 84 का चक्र लगा कर्म प्रधान। इसीलिए महात्मा कहते भाई कि जीव कर्म के बस में है। तो वही आप इशारा देते हैं कि कर्मानुसार आप इस शरीर में आए हो, लेकिन ये शरीर आप नहीं है। आपको 4 दिन के लिए मिला है शरीर, 4 दिन कौन सा? बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा, 4 दिन। महात्मा ने इसको 4 दिन का है। अब देखो बाल अवस्था खेल कूद में है, किशोर अवस्था पठन पाठन में चला गया पढ़ाई लिखाई, और जवानी पैसा पानी व्यापार संसार इसमें गया, और बुढ़ापा देगी के रोया, और बुढ़ापा चौथा स्टेज बड़ा कठिन स्टेज होता है। जब ये आत्मा चौथे स्टेज में आती है बड़ा दुख होता है, दुख का भाव इसमें आगे गिर जाता है, शरीर की ताकत कम हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। क्यों? कर्म ज्यादा है, टाइम कम में ज्यादा कर्म भुगतना है, वो बीमारी के रूप में आगे बढ़ जाता है ऊपर।
शरीर में पीड़ा तकलीफ होती है, घर में इज्जत कम हो जाती है, घर के लोग क्यों प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ कैसा बंद जगत में सुध दारा और भीत जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। सब स्वार्थ का तमाशा है। हमारे महाराज जी कान बताया करते थे, एक लड़का रोज रोज सत्संग में जाने लगा और वो 15-16 साल का लड़का 2-3 साल से रोज रोज सत्संग में जाकर बैठता था, 7 से 8 शाम को सत्संग में रोज आना जाने का। माँ बाप को चिंता हो गई, अरे छोटी उम्र में इसने सत्संग पकड़ लिया, कहीं सन्यासी ना बन जाए, साधु ना बन जाए, हमारा कुटुंब परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा नाम गाम भी जरूर रूप जाएगा, इसको भी कैसा भी सत्संग से छुड़ाना बोल के माँ बाप भी है। अच्छा अब क्या करे, कितना भी समझा रहे दूसरों से समझा एक समझ दे सुनने का तैयार नहीं, क्योंकि इसको सत्संग लग गई थी, सत्संग में आनंद आता था, सत्संग जाता था, तो सोचा कि चलो अब शादी के लायक हो गया है, कहीं भी एक अच्छी लड़की देख के शादी कर देंगे तो शायद सत्संग में जाना बंद करे। शादी कर दिया, कन्या दी और दोनों को अलग भी कर दिया कि हमारा सपोर्ट रहेगा तो सत्संग नहीं छोड़ेगा। अलग घर मकान दे के रख दिया, लेकिन ये सत्संग छोड़ता नहीं था, टाइम पर रोज एक घंटा जाके सत्संग बैठ जाता था, 7 से 8 एक ही घंटा सत्संग होता। तो माँ बाप और परेशान हो रहे, इतना प्रयत्न करने के बाद भी ये सत्संग छोड़ता है, इसके अंदर कोई परिवर्तन दिखता ही नहीं। तो बाद में वो सब लड़की से मिले, उसकी औरत से, बहू से, वो लड़की को सास ससुर ने पढ़ाया तो कैसा भी करके इसका सत्संग छुड़ा दे, प्रेम का जाल, प्रेम करके प्रेम को बढ़ा के कैसा भी करके इसको सत्संग से छुड़ा दे। तो उसने बोला ठीक है, नहीं तो ये सन्यासी बन जाएगा और तेरा भी सुहाग जो है टूट जाएगा। तो ये तो बड़ा अजब हो गया, कितने बरस से सत्संग पकड़ लिया छोड़ता ही। तो उस लड़की ने क्या किया, बोला ठीक है। तो लड़की ने उपाय सोचा, जब तक ये सत्संग से लौट के आता नहीं, दर गड़ी लगा के बाहर बैठते थे, पहले बाहर बैठते थे अकेला, और जब आ जाता था तो घर में जाती थी, साथ में पानी पीते थे, खाना खाते थे, सोते थे। तो वो कहती थी कि देखो तुम हमको अकेला छोड़ के चले जाते हो घर में, मैं अकेला मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपसे सच्चा प्रेम प्यार करती हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा वैसा सब बोलने लग गए। रोज रोज सुन सुन के इसके अंदर थोड़ा मोह पैदा हुआ, बात सच है अकेली है, शायद डर लगता होगा, तो कभी एकाध दिन खड़ा करे, एकाध दिन छोड़ के सत्संग में जा, फिर 2 दिन छोड़ के जा, भाई मन में एक बार थोड़ा मन खिला हुआ कि गया प्रेम प्यार क्या हुआ कि गया काम से, फिर बाद में 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के जाने लगा महीने के बाद। अब रोज रोज सत्संग में आने वाले लोगों पर महात्मा की भी दृष्टि होती है। तो एक दिन दर्शन के लिए गया तो महात्मा बोलते हैं क्या हो गया बेटा, तो रोज सत्संग में आता था, अभी 4-4 दिन का खड़ा करता है, तो हफ्ते में क्या बात हो गया। बोलता महाराज मेरी शादी हो गई और मेरे औरत का मेरे प्रति सच्चा प्रेम प्यार है, वो मेरे बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकती और वो डरती है अकेला घर में रहने के लिए, इसके लिए महाराज अब मैं ऐसा ही रहा हूं। महात्मा कहते बेटा इस दुनिया में कोई भी प्रेम प्यार सच्चा प्रेम प्यार नहीं है। नहीं महाराज, मैंने परीक्षा लेके देखा है, वो मेरे बगैर पानी भी नहीं पीती है, मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती है, उपवास रहती है, बहर बाहर बैठे रहती है, सच्चा प्रेम है महाराज। नहीं बेटा, दुनिया का कोई भी प्रेम सच्चा नहीं। नहीं महाराज, अच्छा ठीक है, तुम उसको गुरु के ऊपर भी प्रेम था। महाराज ने कहा अच्छा तो मेरा बात मानेगा, तेरे को परीक्षा हो जाएगी। बोले हाँ महाराज मानूंगा, कल तू आने, अच्छा आज तू जा और जाके कहा मेरे पेट में दर्द है, 1 ग्लास पानी लाओ। अंदर जाते ही
कहा ना मेरे पेट में दर्द है, एक गिलास पानी लाओ। और वो पानी पी के तो लेट के हाथ पे थोड़ा पटक के सांस बंद कर लेना, और मैं 10-20-25 मिनट के अंदर में आऊंगा, और मैं जब तक मैं कहूंगा तब तक उठना नहीं, तो पड़े रहना, तो सब देखना तमाशा। सच्चा प्रेम प्यार तेरे को पता चल जाएगा, अच्छा माना ठीक है गया। और जाके कहता है कि दरवाजा खोल के अंदर दोनों गए, कहता है कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, थोड़ा एक गिलास पानी लेके आओ। पानी लेके पिया, लेट के हाथ पैर पटक के सांस बंद कर लिया। अरे अभी पेट दर्द करता था, ये तो कुछ और ही हो गया। पानी भी वो हाथ जो ऊपर घुमा दी थी श्वास बंद रखता था, देखा श्वास बंद, वो हुए तो मर गया। और क्या किया, भाग के जाके अपने ससुर सास को बताया कि वो अभी सत्संग से आया, पेट दर्द करता था, पानी एक गिलास दे, पानी पीते ही वो मर गया। सास ससुर भी आके हाथ घुमा के देखते, उसके माँ बाप श्वास बंद रखता है। कोई भी बाहर वाले लोग भी अब रोना धोना चालू हो गया, अब रोना धोना तीनों मिलकर रोने लगे, भाई जवान लड़का मर गया। तो आजू बाजू वाले भी लोग जमा हो गए, एक को एक देख के दूसरा तीसरा, तो सब हाथ जो भी आता हाथ घुमा के देखता, कहता अरे तो मर गया। तो इतने में सब जमा हो गए, बहुत भीड़ लग गई। महाराज भी आ गए, मंदिर में गुरुदेव भी आ गए, क्या हो गया, सब लोग रो रहे थे, नए लोग भी रो रहे थे। अब जो आवे जवान लड़का मर गया, सब रोना चालू करे एक को देख के, अब बड़ा हंगामा मच गया। अब महाराज आए, भाई क्या हो गया, महाराज अभी आपके सत्संग से आया, पेट दर्द कर रहा था, मर गया। तो महाराज ने भी हाथ घुमा के देखा, कहते अरे बहुत टाइम हो गया, आपको पहले क्यों नहीं सूचना दी, आप तो ये प्राण जो है पिंड छोड़ के ब्रह्मांड में चले गए, अभी मर गया, आप बहुत लेट कर गए। तो मां बाप और सब महाराज के चरण में गिर के रोने लगे, महाराज दया करो, ये इकलौता लड़का और हमारा नाम गांव सब यही समाप्त हो जाएगा, हमारा कुटुंब परिवार भी वृद्धि नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा, दया करो, सब होने लगे। तो महाराज कहते भाई बैठो, अब एक ही उपाय है, सब उपाय खत्म हो गया, बहुत देर हो गए, अब एक ही उपाय है। बोले क्या महाराज, मैं मंत्र पढ़ के एक गिलास पानी रखता हूं सामने, अब तुम तीनों में से कोई भी जो पानी पिएगा, क्योंकि औरत और गुंडा बोटी, तुम तीनों में से कोई भी जो पानी पिएगा उसके जान इस पानी में आ जाएंगे और उसको डाल के पिला देंगे, अब इसकी जान तो निकल गई, फिर लौट के आने वाली नहीं। सब चुप हो गए। तो पहले गुंडे से पूछते हैं, अब उसका 75 साल की उम्र, कहते हैं कि दादा तेरा बहुत तूने दुनिया देखी और तेरा उम्र सब खत्म हो गया, थोड़ा ही बाकी है, तेरा लड़का अगर जीवंत हो जाएगा तो 60-70 साल रहेगा, तेरा नाम काम आगे बढ़ेगा, देख तू अपना जान दे दे, इसको उठा दू। तो बुड्ढा कहता महाराज मेरी बुड्ढी का मेरे प्रति बहुत प्रेम है, अगर मैं मर गया तो मेरी बुड्ढी दोनों के मर जाएगी और एक के बदले दो को मरना पड़ेगा, अब जो हुआ सो हुआ, ये सुन रहा है बड़े लोग। तो बाद में मां से कहते हैं बुड्ढी से कि देख मां, तूने भी बहुत सारी दुनिया देखी, तेरा भी उम्र हो गया है, तो अगर रहेगी तो कितने साल का मेहमान, थोड़े दिन का है, तेरा बच्चा रहेगा 50-60 साल रहेगा, तो जान दे दे इसमें डाल के जिंदा कर दो। वो भी कहते कि महाराज अगर मैं मर गई तो मेरा बुड्ढा औरों के बन जाएगा और एक के बगैर दो को मरना पड़ेगा, तो जो होना है वो हो गया, वो भी स्वर्ग। तो अब वो उसके औरत से, उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी हमारे हिंदुस्तान का धर्म है, सती ने पति के लिए सब कुछ अर्पित किया है, अगर तू तो अपना जान दे दे तो तेरे पति को जिंदा कर दे,
और जो है कि वो आगे दूसरी शादी करके उसके बाल बच्चा उसका नाम आगे को बढ़ेगा तो उसको साथ लगा दूसरी शादी का नाम लेते तो वो कहते हैं कि महाराज मैं अपने माँ बाप की गलौती लड़की अगर मैं मर गई तो मेरे माँ बाप दोनों लोगों के मर जाएंगे और एक के लिए तीन को मरना पड़ेगा तो अब मेरे भाग्य में जो लिखा है सो जो होना था वो हो गया वो भी बाद में रखे अब मरने के लिए कम तैयार तो बाद में महात्मा कहते भाई ठीक है तो मेरा ही जान डाल के इसको जिंदा कर दो तो सब लोग एक आवाज से कहने लगे कि धन्य हो साधु संत महात्मा आते हैं परोपकार के लिए बड़ा दया करो ये सब सुन रहा था तो महात्मा मंत्र पढ़े जैसा करके और कुछ इसके मुंह में डाले अपने सर पे डाल के और कहते हैं कि बेटा उठ जाए उठ के बैठ गए देखा ना सच्चा प्रेम प्यार कहता महाराज अब मालूम हो गया तब से फिर उसने कभी जिंदगी में सत्संग नहीं छोड़ा और भजन सुमरण करके वह एक अच्छा महात्मा बन गया तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ये दुनिया का प्रेम प्यार है स्वार्थ का है चार दिन का है ये पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब है पिछले जन्मों का किसी को से लेना होता है किसी का किसी को देना होता है ऐसे ही आत्मा एक कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है एक एक साथ छोड़ के चलते जाते हैं और जीव अज्ञान और साथ दुखी होता है मेरे अपने चले गए अपने चले गए आत्मा कहते भाई अपने होते तो जाते क्यों जिस दिन हम पैदा हो गए हमारे साथ कोई पैदा नहीं हुआ और जिस दिन हम मरे गए हमारे साथ कोई मरने वाला भी नहीं तो अपना कैसे हमने बनाया है चार दिन के लिए लेकिन अपना कोई महात्मा कहते तुम्हारा कौन है एक गुरु दूसरा परमात्मा तीसरा इस दुनिया में कोई नहीं यह तो लेन देन का हिसाब किताब है पिछले जन्मों का इस तरह से जीव चौरासी का चक्कर लगा रहा है इसीलिए महात्मा कहते भाई तुम्हारा देश ये देश तुम्हारा देश नहीं ये काल और माया की नगरी है ये दुनिया का नाम मृत्युलोक है तुम्हारा देश तो सतलोक सच कर रहे परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है ये देश नहीं तुम अपने देश में चलने की तैयारी करो जहां जाकर के आत्मा परमात्मा बन जाती है इसको सब सुख सब शांति मिल जाती है इसका आना जाना ही खत्म हो जाता है वो देश तुम्हारा देश है ये काल और माया की नगरी है इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला ना कभी मिलेगा इसीलिए पंडित साहब जी कहते हैं कि कौन तो सकस है याद कर आपको कहां से आए तो कहां मन लाया कदम तुम कौन हो एक दिन सारी आत्मा परमात्मा की गोद में थी यह अलौकिक ब्रह्मांड में नहीं था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं थे 33 करोड़ देवी देवता भी नहीं हम भी यहां में ये सारी आत्मा परमात्मा की गोद में थी ये थोड़ा दिन के लिए रचना होना था हुआ परमात्मा की मर्जी से हुआ और काल ने तपस्या करके जीव का भंडार मांग के लाया और 5 तत्व से 84 लाख शरीर बना के और सब शरीर में जीव को बंद कर दिया मन रूप में काल आप बैठ के कर्म करवाने लग गया और इस तरह से जीव कर्म करके जीवात्मा बन गया आत्मा जीवात्मा बन गया नहीं तो आत्मा का शब्द रूप है प्रकाश रूप है आत्मा में सुबह सूर्य का प्रकाश है लेकिन आज आत्मा की गति क्या हो गई ये आत्मा दुनिया को देने वाली है परमात्मा का अंश है लेकिन आज रोटी कपड़े की चिंता में लगी है कल क्या होगा परसों क्या होगा तो गलत में क्यों अपने आप को भूल करके अपने घर को भूल करके इस दुनिया को अपना देश समझ के इस शरीर को अपना रूप समझ के कर्म करके आज ये दुर्गति आत्मा की तो महात्मा कहते भाई तुम्हारा देश सत्तो सच खंड है तुम अपने देश में चलने की तैयारी करो केत के पेड़ तू जया टकाए
ऐसा सुंदर नारायण ने शरीर दिया अपने आत्मा के उद्धार के लिए, लेकिन मन और माया ठग लिया, फिर इस दुनिया के जाल में तुझे फंसा दिया मन और माया कि मेरे 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 आत्मा के तुम्हें क्या तुम्हारा है, कुछ नहीं, मुट्ठी बांधे आया बांधे हाथ फंसा ले जाएगा। जब बच्चा कहता होता है दोनों मुठ्ठियां बंधी होती है, भाई कुछ लेके आया है, क्या लेके आता है, प्रारब्ध यहां लिखा होता है, मुठ्ठी जाने का समय बुढ़ा हाथ पसार कर जाता है, भाई जो लाया था ना तो लेकिन कुछ नहीं लेके जाता, खाली आ जाता है। देखो शिवाजी महाराज ने तन मन धन सब कुछ अपने गुरुदेव के चरण में अर्पित कर दिया। तो महाराज ने क्या किया, समस्त रामदास स्वामी खुश हो गए, राजा हो इतना बड़ा त्याग, अपना पिता पर फाड़ के टुकड़ा दिया कि बेटा इस पर मेरे साथ पास आने का। तो शिवाजी महाराज सोचे कहा रखना है इसको, घर में रखेंगे तो वहां पड़ा रहेगा, अलमारी में रखेंगे तो वहां रहेगा, और महाराज कहते पास में रहेगा, तो अपने पगड़ी में सबसे ऊपर उसको गांठ मारी कि गुरु की दया मेरे सिर पर रहे, और सोचा कि कहीं मेरे अंदर अहंकार न पैदा हो जाए, मैंने सब कुछ गुरु को दिया है तो क्या करना, तो उसी पीताम्बर के आप गलर का झंडा बना के उन्होंने सारे किले पे लगा दिया कि मैं जहां भी देखूं मेरा गुरु ही गुरु नजर आए, वही किले कपड़े का झंडा। तो एक बार क्या हो गया, महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया शिवाजी महाराज जी के समय में, और सूखा 4 साल तक लगातार पड़ते, और शिवाजी बड़े अच्छे राजा थे, बाहर से लाला के सामान देते गए, लेकिन सूखा दिन दिन बढ़ते गया, 4 साल पड़ा, तो लोग प्रजा गांव छोड़ के जाने की स्थिति में आ गए। तो शिवाजी महाराज ने अनाउंस किया, टंगुरा पिटवाया, कोई भी गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, खजाने में जब तक पैसा रहेगा तब तक उनको खाना मिलेगा, क्योंकि पैसा गुरु का है मेरा नहीं प्रजा का। तो अनाज बाहर से ला ला के बना के खिलाते थे, कैसे खिलाते थे, उनको काम बताते थे, एक गांव से दूसरे गांव के लिए रोड बनाना, गांव से गांव जुड़ जाएगा एक बड़ा काम हो जाएगा और उनको खाना भी मिलेगा। तो एक गांव से दूसरे गांव को रोड बनवाते थे, और वहां 1 जगह 3,000 1 जगह 4,000 1 जगह 6,000 लोग काम में लग जाते थे, जल्दी जल्दी काम होता था, और वही उतना लोग को जगह जगह खाना बना के दिया जाता था। तो एक शिवाजी महाराज रोज शाम को आके पहाड़ी में बैठ के देखते थे, उधर 4,000 काम कर रहे, उधर 3,000 काम कर रहे, उधर 8,000 काम कर रहे, तो बड़े खुश होते थे। तो एक दिन शिवाजी महाराज के अंदर भी अभाव आ गया कि देखो मैं राजा होने के कारण से आज इतने लोगों का पेट पल रहा है, खाना मिल रहा है, समस्त रामदास स्वामी को सनक लगा कि मेरे सिक्के के अंदर अहंकार आ गया है और ये नरक में जाएगा। बस थोड़े ही टाइम में वहां प्रकट हो गए, आगे शिवाजी महाराज ने देखा गुरुदेव और उनके नमस्कार किया, डंडोत नमस्कार। तो समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी कहते हैं बेटा इधर आ जा, कुछ बोले नहीं इधर आ जा, बुला के लेके। तो 1 किलोमीटर दूर पे जो रोड बना रहे थे वो रास्ते में एक बड़ा पत्थर आके रुकावट बन, एक ही पत्थर था, एकाकार पत्थर एक रास्ते में रुकावट आ गया था। तो शिवाजी को बुला के समर्थ रामदास स्वामी कहते बेटा इस पत्थर को बीचों बीच दो टुकड़ा करना है, भरना है, इसको भागना है। अब महाराज ने अच्छे कारीगर को 10-12 को बुलाया कि जगह जगह बोल करके इसको बीचों बीच फाड़ना है, एकाकार पत्थर कहीं भी बोल, और बहुत मेहनत से वो लोगों ने 1.5-2 घंटे के बाद फाड़ा। जब वो पत्थर फटा तो देखते हैं कि बीच में एक खड्डा है, उसमें पानी है और मेढक है। तो समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी को बुला करते कि देख बेटा तूने फड़वाया इसको, एकाकार पत्थर था है, कहीं भी बोल, तूने फड़वाया इतना मेहनत करके, तो बता इस पत्थर के बीचों बीच में एक मेंढक है, पानी है, अब बता इसको खाना पानी दे दो अगर तो
हाथ लग गया। अरे मेरे अंदर हाथ का आने से गुरुदेव मेरा है परेशान। तुरंत तो गुरु के चरण में गिर पड़े, कहते महाराज सबको देने वाला हूं। तो कहते बेटा तेरे को राज देने वाला भी वही है, आज इनको भूखो मारने वाला भी वही है। अगर तुमने ना दिया होता तो तुम क्या देता था? सबको दाता राम। कहते ना अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास लोकायों कहे सबको दाता राम। सबको देने वाला तो मालिक परमात्मा है, लेकिन हम अहंकार करते हैं, हम पालते हैं, हम खिलाते हैं, हमारे से कुटुंब परिवार चलता है। नहीं, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है, सबके अपने अपने प्रारब्ध से यहां मिलता है, सबको वो दे रहा है। देखो कितनी पक्षियां जो दिन में शाम को आके पेड़ पे सोते हैं, सवेरे उपवास होते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि किस तरफ जाएंगे तो पेट भरेगा। उड़ते जाते हैं सवेरा होते, उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, और शाम तक वो मालिक सबका पेट भर के सुनाता है। जहां जहां देखो वहां वहां ही उनको चारा देके शाम तक सबका पेट भर के सुनाता है। वो कितना दया है। क्या वो किसी के यहां नौकरी करने के लिए जाते हैं? नहीं। कितने प्राणी ऐसे हैं जो दिन भर छुपे रहते हैं, रात को बाहर निकलते हैं, सवेरा होते होते पहले मालिक सबका पेट भर के सुनाता है। वो कितना दयाल है। तो कहते भाई देने वाला वो है, हम सबको देने वाला वो है, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें वो देता है, सबका दाता मालिक है। इसीलिए कहते भाई वही आगे सलाह देते हैं। हाँ, कहते कितने दफा मानव शरीर का समय परमात्मा ने आत्मा के उद्धार के लिए तुम्हें एक चांस दिया, लेकिन मन और माया ने ठग लिया, तो ठगा गया। तो कहते हैं कि भाई अपने आप को पहचानो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, तुम तो दुनिया को देने वाले हो, मानने वाले नहीं। लेकिन आज इस अवस्था में क्यों दुखी हो? अपने आप को भूल करके, अपने आप को शरीर समझ के, और ये दुनिया को अपना घर समझ के, महात्मा कहते हुए तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है। ये देश नहीं, ये तो काल और माया की नगरी है। इस देश में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला, ना कभी मिलेगा। सच्चा सुख शांति आपके अपने देश में है, आपके अंदर है, इस शरीर में। अगर आप गुरु के कहना मान के साधन करके अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, सब कुछ आपको अपने अंदर मिल जाएगा। आपके पिता ने आपके लिए आपके अंदर रखे सारा बादशाह भर के निकाल लाए, वो सब कुछ मिल जाएगा, आप धन्य हो जाओगे, आपके सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी अंदर आके। परमात्मा ने अपने आत्मा के उद्धार के लिए समय दिया है,
उस काम से आप दूर मत हो, क्योंकि करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो मानव शरीर मिलता है, उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुख दारा और लक्षणी पापी के भी होए। करते अच्छे बाल बच्चे धन दौलत करोड़ों रुपए पापियों के भी होते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली वो है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर मिलके संतों का समागम मिल गया, और जो भक्ति से जुड़ गए उनका आना जाना खत्म हो गया। अब देखो जो लोगों ने भक्ति किया उनका नाम अमर हो गया, उनकी आत्मा अमर हो गई, नाम अमर हो गया। ध्रुव प्रहलाद शीला रविदास प्रदीप गुरु नानक सकूबाई तुकाराम नामदेव, जो लोगों ने भक्ति किया उनकी आत्मा अमर हो गई, नाम अमर हो गया, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी वो तो मालिक के पास गए ही, उनका नाम अमर हो गया, और जब लोगों ने भक्ति नहीं किया देखो उनका नाम निशान भी पता नहीं किसी को। हमारे घर में हमारे दादा के दादा के दादा कितने मर मर गए हैं, आज हम उनका नाम निशान बोले बैठे हैं, क्यों? भक्ति नहीं किया, 84 ने चक्कर लगाने को, इसीलिए उनकी आत्मा पर नहीं हुई, नाम भी पर नहीं हुआ। तो भक्ति के बगैर इस शरीर की एक पैसा भी कीमत नहीं। तो कहते भाई ये आपका ये जो समय है बड़ा कीमती है, एक एक श्वास दिन लोग से भी कीमती है, परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है, भक्ति के लिए दिया है। भटकिए मिटे काम तब होएगा, भटकिए मिटे काम तब होएगा, केत के पेर तो भटके आया, दास पलट कहे हो ये संस्कार जब, दास पलट कहे हो ये संस्कार जब, बिना सत्संग ना छुटे माया। वही पलटो साहब कहते हैं, दास पलटो कहे हो ये संस्कार जब, बिना सत्संग ना छुटे माया। कहते हैं अगर इनका संस्कार अच्छा हो रहे, पिछले जन्मों में कुछ भक्ति करके पैदा हुआ हो रहे, और ऐसे लोगों को अगर सत्संग मिल जाता है तो वो सत्संग इनके दिल में असर कर जाता है, बोली जैसे लगे जैसा लगता है संतों के वाक्य, और उनके दिल में असर होता है और उनके काया पलट हो जाते हैं। अगर नहीं संस्कार है तो इस कान से सुने इस कान से निकल जाता है, इस कान से सुने इस कान से निकाल दे। कितने बरस में सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करे तो पहले कुछ हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, क्यों? हम सत्संग पे अमल नहीं करते। महात्मा जैसे करते वैसे चलने को तैयार, इस काम से सुने इस काम छोड़ दे फिर दुनिया के रूप में रह गए, फायदा क्या? तो गलत नहीं, सत्संग सुन के उस पर विचार करें, और विचार करके उसको अपने आचरण में लेके आए, उस पर जलने की कोशिश करें, तो देखो हमारे अंदर हमारे ऊपर सत्संग रंग लाता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। कैसे कैसे लोग सत्संग में जाके बदल गए, चोर चोरी छोड़ देता है, कहते पापी पुण्यवान बन जाता है, महात्मा बन गया। वाल्मीकि नारद के समागम में जाके वाल्मीकि महात्मा बन गया, ब्रह्म ऋषि बन गया, जो कितने पापी थे। कहते महात्माओं के शरण में जाके सत्संग सुन उनके वचन के ऊपर चल के चेत बदल गया। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। महात्मा जो करते हैं उस पर अमल करें चलेंगे तो हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आएगा, सत्संग रंग लाएगा। अगर नहीं करते हैं तो भाई हम जान के बाहर रह जाए, परिवर्तन नहीं आएगा। तो विचार करना, महात्मा जो करते हैं सुनना, उसको मनन करना, मनन करके उसको अपने आचरण में लेके आना, तो देखो हमारे अंदर कितना परिवर्तन आता है, हमारे अंदर कहते बहुत परिवर्तन आएगा, आचार विचार व्यवहार सब चेंज हो जाएंगे, और हमें सच्चा सुख शांति अपने अंदर मिलेगी, हमारा मंदिर भी बनने लग जाएगा,
ध्यान सुमरन में बदले लग जाएगा, ख्याल बदलेगा भजन सुमरन बनेगा, ख्याल दुनिया के रंग में रहेगा भजन सुमरन नहीं बनेगा। भाई दुनिया कहते जगत और भगत में बह रहे हैं, चारों युग परमात्मा जगत और भक्त में बह रहे। हम चाहते हैं रात में दुनिया का चिंता करें और कृपा मालिक से चाहे कभी नहीं मिलने वाला है, नाम का रूप होके उसकी कृपा मिलेगी। आप रो पा बच्चे ने लेकिन नाम का रूप होके रहो, बिना मांगे वो देता है उसकी कृपा, क्योंकि वो परमात्मा दयाल है। हम उसके नाम के रंग में अगर बैठ के दुनिया में बाल बच्चे में रहते हैं तो उसके दया का हमारे सर पे ऑटोमेटिक आ जाता है, सब जगह हमारे संभाल करता है, हर हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है, वो दाता है दयाल है। तो कहते भाई लेकिन हम महात्माओं के बताए हुए रास्ते पे चले तो देख दास पलट कहे हो ये संसार जगो, दास पलट कहे हो ये संसार जब बिना सदा